हेलो बच्चों, सो वी हैव ऑलरेडी सीन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़, वी हैव ऑलरेडी सीन द प्रिपरेशन, है ना। ये हम पिछले तीन लेक्चर्स में या चार लेक्चर्स में हम देख चुके हैं। नाउ जो इसका मेजर पार्ट है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, और यू कह रहे हो तुम्हारी सेकेंड ईयर या ट्वेल्थ की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका जो मेजर पार्ट है वो अब है। ये जो केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे हमने देखनी है, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स या कार्बोनाइल कंपाउंड्स के, ठीक है, क्योंकि इसकी रिएक्शंस बहुत सारी हैं। सबसे ज़्यादा नेम रिएक्शंस इस चैप्टर में है, कुछ रीअरेंजमेंट में ऑलरेडी करा चुका हूँ, कुछ इस चैप्टर में कराऊँ, कुछ नेक्स्ट उसमें कराऊँगा। रीअरेंजमेंट का इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक एक तरीके की जो रिएक्शंस है उनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर मान लो हमारे पास कोई कार्बोनाइल कंपाउंड है ना, मान लो ऐसा है, R डैश कैन बी एच, R कैन बी एच, R एच भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। अगर तुम ध्यान से देखो, या फिर चलो ऐसा करते हैं, इसके ना एग्जांपल लेके बताता हूँ तुमको मैं। मान लो ये एसीटोन है, ठीक है, तो इस पर रिएक्शन कैसी होंगी। एक तो रिएक्शन होती है इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल की, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन होती है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। इसको भी मैं अभी पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा, ठीक। तो एक तो रिएक्शन जो होगी वो कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से हो गई, और ये जो कार्बन्स होते हैं इनको हम अल्फा कार्बन्स कहते हैं। इनसे जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। इनसे जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन्स। तो इन अल्फा, और ये अल्फा हाइड्रोजन मैं बता चुका हूँ ये एसिडिक होते हैं, ठीक है, इनको मैं बोल रहा हूँ ये एसिडिक होते हैं। तुम बोलोगे सर अभी बता दो, मैं ऐसा करूँगा जब इसकी अल्फा हाइड्रोजन की वजह से जो रिएक्शंस होती है ना उस वक्त इनकी एसिडिटी के बारे में भी बता दूंगा। हालांकि तुमने 11th में ऑलरेडी पढ़ा होगा, जब टाउटोमेरिक फॉर्म्स होती थी बीटा कीटो एस्टर्स की या बीटा डाई कीटोन्स की, उस वक्त तुम्हें याद होगा कि वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ दीज अल्फा हाइड्रोजन्स ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, है ना। तो ये ये जो एच हाइड्रोजन्स हैं दीज आर एसिडिक इन नेचर, दे कैन गो आउट एज एच प्लस। तो दो तरीके से रिएक्शन होती है, या तो तुम्हारी होगी कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से, या फिर अल्फा हाइड्रोजन की वजह से, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो लिख सकते हो दैट कार्बोनाइल कंपाउंड्स, लिखो द कार्बोनाइल कंपाउंड्स मेनली गिव रिएक्शंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फर्स्ट कार्बोनाइल ग्रुप, सेकेंड अल्फा हाइड्रोजन्स, ठीक है ना। प्रेजेंस ऑफ या तो कार्बोनाइल ग्रुप या फिर अल्फा हाइड्रोजन, क्लियर होगी बात, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे जितने भी टाइप के रिएक्शन है वो सारे के सारे लिख रहा हूँ जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देखो भाई, सबसे पहले जो रिएक्शन आती हैं दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ये एडिशन रिएक्शंस ही क्यों आएंगी, सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं आएंगी, ठीक है, वो सब भी मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होंगी, एक मिनट इसको ना मैं पूरा लंबा लंबा लिख देता हूँ। सेकेंड जो होगी वो इसी का एक एक्सटेंशन होती है थोड़ा सा, तो इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। इन रिएक्शंस में क्या होता है, होता तो ऐसे ही कुछ एडिशन है न्यूक्लियोफाइल्स का, लेकिन कोई एक वाटर मॉलिक्यूल या कोई और मॉलिक्यूल निकल भी जाता है साथ साथ, है ना, ठीक है। थर्ड वन विल बी ऑक्सीडेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसके टेस्ट में काम आता है ऑक्सीडेशन, है ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। फोर्थ इज रिडक्शन रिएक्शंस, ठीक है। फिफ्थ इज रिएक्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड,
with ammonia. Sixth is reactions due to अल्फा हाइड्रोजन. ये जो रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन है ना, इसी का पार्ट है, या थोड़ा सा अलग भी मान सकते हो. मैं उसको सेवन्थ करके लिख रहा हूँ, हालांकि इसके पार्ट, इसका कुछ पार्ट उसमें भी आता है, विच इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन रिएक्शंस. कंडेंसेशन रिएक्शंस, ठीक है. ये जो कंडेंसेशन रिएक्शंस है, एल्डोल क्रॉस एल्डोल क्रॉस एल्डोल है ना, सॉरी क्रॉस एल्डोल, ये सारे रिएक्शन इसमें होंगे, ठीक है. तो कुछ एट्थ, कुछ नेम रिएक्शंस होते हैं इसमें, है ना. नेम रिएक्शंस जैसे तुम्हारा रिफॉर्मेट्स की, अभी तक तुमसे नाम भी याद नहीं आ रहे, ठीक है. बहुत सारे रिएक्शंस हैं, माइकल रिएक्शन है, मनीष रिएक्शन है, पता नहीं मेरे को, कानेजारो रिएक्शन है, ये सारे अभी हैं, नाम याद नहीं आ रहे मेरे को. नाइन्थ, हाँ नाइन्थ हो गया तुम्हारे रीअरेंजमेंट रिएक्शंस. तो तीन, एक रीअरेंजमेंट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस. ये तीन रीअरेंजमेंट कौन कौन से हैं, एक तो पिनाकोल पिनाकोलोन है, ठीक है. दूसरा होता है तुम्हारा बेंजिल बेंजिलिक, और दूसरा क्लाइजन, नहीं दूसरा इज बेंजिल बेंजिल बेकमैन रिएजमेंट, यार मैं भूल जाता हूँ हमेशा इसको, बेकमैन, ठीक है. ये जो आता है ये इसी चैप्टर में, या तो इसी चैप्टर में करा दूंगा, या तुम्हारा और कौन सा होता है वो बेकमैन हो गया, बेकमैन रिएजमेंट, ये आता है तुम्हारा अमाइड्स के उसमें, ठीक है. बेकमैन रिएजमेंट हो गया और बेंजिल बेंजिलिक, ठीक है. नाइन्थ और टेंथ जो होता है वो रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म होती है. ये रिएक्शन मैं पूरी की पूरी कराऊंगा, क्लोरोफॉर्म वाली रिएक्शन मैं पूरी कराऊंगा 100%, बिल्कुल अल्कोहल से लेकर तब तक फाइनल तक, ठीक है. तो ये कुछ रिएक्शन है जो हम देखेंगे आज. कोशिश करेंगे कि हम ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन कंप्लीट कर दें, तो उसे डिस्कस करने के लिए भी बहुत सारा समय चाहिए, है ना. तो इसमें रिलेटिव जो रिएक्टिविटी है कार्बोनाइल कंपाउंड्स, कार्बोनाइल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स की, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है. ओके, तो इसको मिटा दूं अभी, इसको अगर नहीं लिखा तो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करो, लिख लो इसको, मैं मिटा रहा हूं, ठीक है. या चलो कुछ चीज़ें यहाँ पे कर लेते हैं. देखो भाई, सबसे पहली चीज़ देखो, कोई भी जो कार्बोनाइल ग्रुप होगा कैसा होगा, ऐसा कुछ होगा इसमें, ये कार्बन के चार बॉन्ड है, सारे के सारे सेटिस्फाइड है. यहाँ पे H भी हो सकता है या कोई एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, अभी मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ. सबसे पहले ये देखो कि इसका एक जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, वो होता है ये, ये दोनों तो सेम रहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज. तो ये जो पॉजिटिव कार्बन है, या जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सो टू से कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, दिस पॉजिटिव चार्ज विल अट्रैक्ट न्यूक्लियोफाइल्स. ये न्यूक्लियोफाइल्स को अट्रैक्ट करता है, ठीक है. ये न्यूक्लियोफाइल्स को अट्रैक्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करेगा तो न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर सक, न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर देगा, ठीक है. अगर इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक किया तो क्या बनेगा, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा तो क्या बनेगा, सी, एक सेकेंड रुको, ये बनेगा सी न्यूक्लियोफाइल ओ माइनस. और यूजली कोई इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट होता है सोल्यूशन में, जो कि इससे आके लग जाता है और क्या बनता है हमारा, इलेक्ट्रोफाइल, इस तरीके से, है ना. बहुत बेसिक है, क्लियर होगी बात, ठीक है. तो हेडिंग डालना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, और तब ये लिखना जो मैंने लिखवाया. अब मैं मिटा रहा हूँ भाई इसको,
ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले चीज़ तुमने देख ली कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या हुआ कि भाई ये या क्यों हो रहा है, ये कार्बन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियोफाइल अगर प्रेजेंट है किसी सोल्यूशन में जिसमें ये भी प्रेजेंट है, उसमें न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कर सकता है और इस तरीके से ये रिएक्शन हो सकती है ना। तो सबसे पहले क्या लिखना है इसमें, लिखो कार्बोनाइल कंपाउंड्स गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ड्यू टू कार्बोनाइल कंपाउंड्स गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, पहली चीज। दूसरा, they give this addition reaction which with such reagents ऐसे reagent के साथ में ये reaction देता है nucleophilic addition reaction जिसमें न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों आते हो। जैसे अगर मैं HCN की मैं बात करता हूँ है ना, तो इसमें अगर तुम इसको तोड़ोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, H प्लस और CN माइनस। तो जो CN माइनस है दैट एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड दिस एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो मैं इसकी और इसकी जो HCN की जो एडिशन भी है वो भी मैं करवाऊंगा, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि व्हाट डू आई मीन बाय सेइंग कि भाई ऐसे रिएजेंट के साथ में रिएक्ट होगा जिसमें न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों निकलते हों। क्लियर होगी बात, ठीक है, एज न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक, कूल। अब ये समझ में आ गया कि भाई पोलर नेचर की वजह से पॉजिटिव चार्ज है विच विल अट्रैक्ट द न्यूक्लियोफाइल, ठीक। अच्छा, अब अगर मैं बोलूं रिलेटिव रिएक्टिविटी बिटवीन द टू, कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा, है ना, तो इसमें एक छोटा सा पॉइंट ऐसे लिख सकते हो ए करके या कुछ स्टार मार्क करके कि एल्डिहाइड्स आर, या वाई ऐसा क्वेश्चन लिख लो कि रेड पेन से वाई आर एल्डिहाइड्स मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, NaR as compared to aldehydes are more reactive towards NaR as compared to ketones, क्यों? तो इसके दो रीजन है, देखो क्या रीजन, देखो अगर मैं यहां की बात करूं, यहां पर मान लो दोनों के दोनों एक H है, मान लो चलो एक H है और एक R है, या एक R है एक H है, ऐसे मान लो, या ऐसे करते हैं CH3 मान लेते हैं एक जगह और एक H है। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर रहा है ना, है ना। अगर ये पॉजिटिव चार्ज कम हो जाए तो न्यूक्लियोफाइल उतना स्लोली इस पर अटैक करेगा। इनफैक्ट तुमको ये करना चाहिए कि जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है ना, ये स्लो स्टेप होता है और ये फास्ट स्टेप होता है, ये ध्यान रखना चाहिए तुमको, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो स्लो स्टेप है, पहली चीज़। दूसरा, कार्बन के ऊपर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियोफाइल उतना तेज़ी से इस पर अटैक करेगा, क्लियर होगी बात, तो रिएक्शन उतनी फास्ट होगी, ठीक है। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कब ज़्यादा होगा, जब यहाँ पर दोनों के दोनों एल्काइल ग्रुप होंगे या एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होगा, क्योंकि इसका प्लस आई इफेक्ट भी तो होता है। अगर इसका प्लस आई इफेक्ट है और एक और CH3 में लगा दूँ तो उसका प्लस आई इफेक्ट और ज़्यादा बढ़ा देगा और यहाँ पर इस पॉजिटिव चार्ज को कमी कर देगा। जैसे अगर मैं तीनों की बात करता हूँ, अगर मान लो तुम्हारे पास ये है, ये है, ये, और तुम्हारे पास ये है, ये है, और तुम्हारे पास ये है और ये है, इन तीनों में अगर कहूँ तो यहाँ पर नो प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। तो इसमें देखोगे तुम, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो हाईएस्ट होता है,
ठीक है, तो दिस इज मोस्ट रिएक्टिव। क्लियर होगी बात? अच्छा, इसमें और इसमें ये वाला पोर्शन तो सेम है, तो इसमें प्लस आई इफेक्ट है इसका, तो इन दोनों का तो सेम है, लेकिन क्या इसका है? इसका नहीं है, इसका लेकिन है। तो अगर तुम देखो प्लस आई इफेक्ट किसमें ज़्यादा है, इसमें प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है, तो इसके ऊपर जो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, वो उतना ही कम आएगा। तो इसमें अगर तुम लिखो तो इसको लिख सकते हो लीस्ट, अगर ये लीस्ट होगा तो ये पूरा का पूरा इन तीनों में लीस्ट रिएक्टिव हो जाएगा। हाँ है ना भाई, जिस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कम होगा वो उतना ही कम रिएक्टिव होगा, मतलब उस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना ही स्लो हो जाएगा। और अगर स्लो हो गया तो हम क्या कहेंगे उस रिएक्शन को, कि दैट इट इज़, या उस रिएजेंट को क्या कहेंगे, सॉरी सब्सिट को क्या कहेंगे, दैट इट इज़ लीस्ट रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव। ठीक है, और इसमें क्योंकि इन दोनों के बीच में है तो ये बीच का केस हो गया, ये मोस्ट रिएक्टिव हो गया इसमें, ये लीस्ट रिएक्टिव हो गया, और ये बीच वाला हो गया। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? तो लिखो, The attack of the nucleophile is the slow step. ठीक है, the higher the partial positive charge, the higher the partial positive charge on the carbonyl carbon, thus faster will be this step, and higher will be the reactivity of that substrate. ठीक है, तो इसके बाद फुल स्टॉप करके लिखना, सो Whichever factor increases the partial positive charge, जो factor इस partial positive charge को increase करेगा वो reactivity increase कर देगा। लिखो, whichever factor increases the partial positive charge, will increase the reactivity, and vice versa. अगर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा तो उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही कम हो जाएगी। तो एल्डिहाइड्स में प्लस आई इफेक्ट वाले कम हैं, कीटोन्स में प्लस आई इफेक्ट वाले ज़्यादा हैं। तो लिख लो, एल्डिहाइड्स हैव लोअर नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप्स, है ना, लोअर नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप्स, हैंस हायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। एल्डिहाइड्स हैव higher number of plus I groups, hence higher partial positive charge on the carbonyl carbon, hence more reactive as compared to ketones, ketones which have higher number of plus I groups. इसमें देखो ना, plus I group का number ज़्यादा है compared to this, higher number of plus I groups. उसके बाद ये तुम एक ये example download करो, write कर सकते हो, लिख सकते हो example. Got this? Clear होगी ये बात? Okay. That's one thing. दूसरा भी एक factor है, वो क्या factor है वो बताता, पहले इसको note down कर लेना, अब बता रहा हूँ। दूसरा फैक्टर ये है कि देखो, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, हाँ है ना, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने से क्या ये ग्रुप थोड़ा बहुत रिपेल कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। अगर न्यूक्लियोफाइल इस वाले में अटैक करेगा तो यहाँ हाइड्रोजन है, इनका स्टेरिक जो हिंड्रेंस है वो उतना नहीं होगा। गॉट इट? और अगर इस वाले में आता है, इस वाले में थोड़ा सा स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा, इस वाले में सबसे ज़्यादा आएगा, हाँ है ना। इन तीनों में अगर मैं देखूँ तो इसमें कम स्टेरिक हिंड्रेंस है, इसमें थोड़ी ज़्यादा है, इसमें सबसे ज़्यादा है। तो जिसमें जितनी ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, न्यूक्लियोफाइल उतना स्लो हो जाएगा उसको, इस कार्बन को अप्रोच करने में। ठीक है, तो सेकेंड फैक्टर लिख लेना, स्टेरिक फैक्टर।
सेकेंड फैक्टर स्टेरिक फैक्टर. पहला फैक्टर क्या था? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन दी कार्बोनाइल कार्बन. एंड सेकेंड फैक्टर इज या पोलैरिटी लिख लेना, पोलैरिटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, पोलैरिटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप. और इसमें लिख लेना स्टेरिक हिंड्रेंस. ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस. तो लिखो सिंस न्यूक्लियोफाइल इज नेगेटिवली चार्ज्ड, सिंस न्यूक्लियोफाइल इज नेगेटिवली चार्ज्ड, इट मे बी रिपेल्ड, या इट विल बी लिखो, नॉट मे बी, इट विल बी रिपेल्ड बाय इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप्स. सिंस न्यूक्लियोफाइल इज नेगेटिवली चार्ज्ड, यूजली जरूरी नहीं है कि नेगेटिवली चार्ज ही हो, मतलब आई शुड पुट इट कि इलेक्ट्रॉन रिच है इसके पास. न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है ना. हाँ, तो ऐसे लिखो, सिंस न्यूक्लियोफाइल आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, दे विल बी रिपेल्ड बाय, सिंस इलेक्ट्रॉन सॉरी न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, दे विल बी रिपेल्ड बाय इलेक्ट्रॉन डेंस, नहीं, दे विल बी रिफ्लेक्टेड रिपेल्ड बाय इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप्स अटैच टू कार्बोनाइल कार्बन. इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप्स अटैच टू कार्बोनाइल कार्बन. ठीक है, फुल स्टॉप. हायर द नंबर ऑफ दीज ग्रुप्स, हायर द नंबर ऑफ दीज ग्रुप्स, हायर विल बी दी स्टेरिक रिपल्शन और हिंड्रेंस. हायर विल बी दी स्टेरिक रिपल्शन और हिंड्रेंस. ठीक है, और फिर अगर वो ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक स्लो हो जाएगा. तो स्लोअर विल बी दी अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, स्लोअर विल बी दी अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल. तो इसके बेसिस पे भी तुम देखो, ये न्यूक्लियोफाइल को अटैक करेगा अगर तो स्लोएस्ट करेगा, ये थोड़ा ज़्यादा, ये फास्टेस्ट. तो अमंग्स दीज अगर मैं कहूँ तो ये फास्टेस्ट अटैक होगा, ये स्लोएस्ट अटैक होगा. आर वी क्लियर? गॉट इट? ठीक है, कूल. ये हो गया जी पूरा का पूरा तुम्हारे. अब इसमें भी एक और चीज़ है, अगर मैं एल्डिहाइड छोड़ो, या एल्डिहाइड में भी देखो और कीटोन में अलग अलग, अगर एल्डिहाइड्स में नंबर नंबर तो नहीं बढ़ेगा, मतलब या तो इसका बल्किनेस बढ़ रही है, अगर इसकी बल्किनेस बढ़ रही है तो इनकी रिएक्टिविटी कम होती चली जाएगी. तो एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों में जैसे जैसे तुम इन ग्रुप्स को और बल्कियर बनाते चले जाओगे, वो उतना ही ज़्यादा रिपेल करता चला जाएगा न्यूक्लियोफाइल को, और उतनी ही कम इनकी रिएक्टिविटी होती चली जाएगी. तो लिखो, इसको स्टार मार्क करके लिख लेना, इन बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, इन बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एज द साइज ऑफ, इन बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एज द साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अराउंड कार्बोनाइल कार्बन, इन बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, व्हेन द साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप, व्हेन द ग्रुप्स आर सराउंडिंग, क्या बोला था मैं, एक मिनट, इन बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एज द साइज ऑफ द एल्काइल ग्रुप्स, एज द साइज ऑफ द एल्काइल ग्रुप्स अटैच टू द कार्बोनाइल कार्बन इंक्रीजेज, देयर रिएक्टिविटी डिक्रीजेज. तो अगर मैं कहूँ HCHO, ठीक है, ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा एज कम्पेयर टू CH3CH, ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा. ठीक है, सेम वे अगर तुम देखो CH3, ठीक है, ये रिएक्टिविटी लिख रहा हूँ मैं और कुछ नहीं, ऐसे मत करना कि क्या लिखवा रहे हो सर, है ना, ये रिएक्टिव होगा सबसे ज़्यादा. क्लियर होगी बात? इस तरीके से लिखो. गॉट इट? ठीक है, ठीक. अब जो ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में नहीं होता, ये कहाँ कहाँ होता है देखो जरा ध्यान से, मैं इसको मिटा रहा हूँ भाई. ठीक है, चाहे तो तुम टेबल बना सकते हो यहाँ पे, चाहे तो तुम
टेबल बना सकते हो। क्या टेबल बना सकते हो? ये देखो, अगर मान लो तुम्हारे पास ये है, ये R1 है और ये R2 है ना, ठीक है। तो अगर R1 एल्काइल ग्रुप है, R2 H है, तो हम कहेंगे कि ये एल्डिहाइड है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे CH3, CH3H एग्जाम्पल के लिए। अगर R1 एल्काइल ग्रुप है, R2 भी एल्काइल ग्रुप है, ज़रूरी नहीं है कि सेम हो, लेकिन अगर है तो हम कहेंगे इसको कीटोन्स। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कंपैरिजन यूजुअली फिर हो नहीं पाता है, इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी कुछ कोई बच्चा पूछ भी रहा था मुझसे कोई क्वेश्चन इस पर, ठीक है। R1 R2 R1 R2, अच्छा अगर मान लो R1 जो है वो एल्काइल ग्रुप है और जो R2 है वो हेलाइड है, मतलब इन जनरल जो हेलाइड होता है वो क्लोराइड ही होता है। अगर मान लो क्लोराइड है तो हम ये तो इसको कहेंगे एसिड हेलाइड और एसिड क्लोराइड, ठीक है। तो गॉट इट, अगर R2 क्लोराइड हुआ, Cl- हुआ, जैसे Cl हुआ है ना, तो हम ऐसे करेंगे, या तो इसका एग्जांपल देखो, तुम देख सकते हो ये CH3 C डबल बॉन्ड O X, या फिर ब्रैकेट में अगर एक पर्टिकुलर, देखो पढ़ने वाले हम यही हैं लेकिन ऐसे वाले भी तुमको मिल सकते हैं कहीं कहीं पे। ठीक है, तो क्लियर होगी बात। अच्छा अगर मान लो R1 जो है वो एल्काइल आ जाए और जो R2 हो वो ऐसा ग्रुप आ जाए, ओ एक सेकेंड रुको, CO, 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 R, मान लो ऐसा कुछ है एग्जाम्पल के तौर पे, मतलब ये दिस ग्रुप कैन बी सम R3, ठीक है। अगर ये ग्रुप आ जाए तो हम इनको कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड्स, ठीक है जी, एसिड एनहाइड्राइड्स। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, दिस इज इथनोइक एनहाइड्राइड। इनके जो नॉमनक्लेचर है वो तुमको पता ही है भाई, तो आई एम नॉट गेटिंग इन टू दैट। अगर नहीं पता तो भाई ये वीडियो जो मैंने नॉमनक्लेचर वीडियोज़ बनाए हैं वो देख लेना, ठीक है, ओके। अगर मान लो R1 जो है वो एल्काइल है और R2 जो है वो OH है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल के तौर पे तुम्हें COOH मिल जाएगा, ठीक है। अगर R1 जो है अगेन इट इज़ एल्काइल ग्रुप, तो हम क्या कह सकते हैं, और ये जो है वो OR- है, ठीक है, तो हम इसको कहेंगे एस्टर, ठीक है। इसका एग्जांपल हो गया CH3COOC2H5, ठीक है। और अगर R1 जो है वो एल्काइल, भाई यहाँ पर इसको छोड़ दो और H कर देना सब जगह, और H और H और H, और जो R2 है वो R2 मतलब जो ग्रुप है वो एल्काइल ग्रुप नहीं है, दैट इज़ NH2 या NHR, ऐसा कुछ है, तो हम इसको कहेंगे अमाइड्स, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या होगा, CH3CONH2। सबसे पहले तो ये डाउन वो कर लो, हम पढ़ेंगे यही दोनों हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, लेकिन
इनकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और सब्सटीट्यूशन जो होता है वो इनके कंपैरिजन में देखी जाती है। ठीक है जी, ओके, क्लियर है। अच्छा, कैसे डिसाइड करेंगे? मैंने क्या कहा था, रिएक्टिविटी उसकी ज़्यादा होगी जो ये जो दोनों ग्रुप है, अगर कार्बन के ऊपर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है उसको बढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और अगर उस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को घटाएंगे तो वो कम रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो अगर तुम ध्यान से देखो, एक एक करके देखेंगे। इनफैक्ट इन दोनों को सबसे पहले देखते हैं, लेट्स टेक अ लुक एट दीज। कौन है? एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। ध्यान से देखो भाई, एसिड क्लोराइड में क्या होगा, आर लेट्स से एग्जाम्पल के तौर पे मैं सीधे सीधे सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एल ले रहा हूँ। ठीक है, अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पर क्या है, सी एच थ्री सी ऐसा कुछ होगा, इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि इसका माइनस आई इफेक्ट है। ठीक है, इसका माइनस आई इफेक्ट है तो ये क्या करेगा, इसको पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस। ठीक है, आर वी क्लियर अबाउट दिस? ठीक है, तुम्हारे पास अगर स्पेस बचा हो ना, मेरे पास तो मैंने थोड़ा सा स्पेस रह गया, यहाँ पर ये चीज़ लिख लेना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज किस में इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस इस वाले केस में। ठीक है, तो अच्छा अब अगर मैं एनहाइड्राइड की बात करूँ, सेम वे, ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो क्या बनेगा इसका, सी एच थ्री सी प्लस ओ माइनस ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, तो इसका भी माइनस आई इफेक्ट होता है, माइनस आई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इस वाले केस में भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये जो दोनों के दोनों ग्रुप हैं इस पे लगे हुए, इस कार्बोनाइल ग्रुप पे ये दोनों ग्रुप जो लगे हैं ये इसके पॉजिटिव चार्ज को इनक्रीज कर रहे हैं, इस वजह से तुम देखोगे कि इनकी रिएक्टिविटी हायर होती है, या इनफैक्ट इसकी सबसे ज़्यादा होती है, फर्स्ट इसकी होती है, ये भाई साहब की फर्स्ट होती है, हाईएस्ट रिएक्ट, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये होगा, सेकंड ये होगा, क्योंकि दोनों में पॉजिटिव चार्ज बढ़ाया जा रहा है। गॉट इट? अब अगर मैं एल्डिहाइड की बात करूँ, इसमें दोनों में या तो एच हो, एक में एच होगा, या सॉरी या तो दोनों में एच होगा या फिर एक में कोई एल्काइल ग्रुप होगा। एल्काइल ग्रुप क्या करता है, कुछ ना कुछ प्लस आई इफेक्ट की वजह से अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, है ना, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे तो दोनों के दोनों घटा रहे थे, ये भाई साहब क्या करेंगे, घटाएंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, और ये जो कीटोन भाई साहब है ये भी पॉजिटिव चार्ज को घटाएंगे। आर वी क्लियर अबाउट दिस? पॉजिटिव चार्ज को घटा रहे, अगर ये दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज को घटा रहे तो इन दोनों की रिएक्टिविटी इन दोनों से तो कम होगी, इतना तो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है जी। अब इसमें और इसमें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, वो तुम देख चुके हो, है ना, तो ये थर्ड नंबर पे आएगा और ये फोर्थ, मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एसिड क्लोराइड्स, देन एसिड एनहाइड्राइड्स, देन एल्डिहाइड्स एंड देन कीटोन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्लियर होगी भाई बात ये? ठीक है जी, अब बात करते हैं इसकी इसकी इसकी, इन तीनों में अगर देखा जाए तो मैं ऊपर वाले को मिटा रहा हूँ, तुम ना एक एक करके, जैसे मैंने दो का बनाया वहाँ पे, वैसे इन दोनों का बनाना, मतलब चलो नहीं, इन दोनों का बनाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी तीनों का बनाओ, इसका इसका इसका, ये क्या है, एसिड है, एस्टर है, अमाइड है। अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पर ओ एच होगा, तो अगर ये इधर जाता है तो क्या आएगा यहाँ पे, सी ओ माइनस ये प्लस, अब यहाँ पे क्या है, ओ के दो इलेक्ट्रॉन ये क्या कर देंगे इसके, क्या ये इस तरीके से बन सकता है, ठीक है, इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो किसके ऊपर चला गया, अब ओ के पास, दैट मीन्स उसके पॉजिटिव चार्ज में कमी आई है ड्यू टू रेजोनेंस, है ना, तो यहाँ पे भी तुम देखोगे पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिक्रीज करेगा, क्या ये पॉजिटिव चार्ज उतना ही डिक्रीज करेगा जितना इसमें किया है या उससे ज़्यादा करेगा या कम करेगा,
ज़्यादा करेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो प्लस आई इफेक्ट था इनका, इसका भी, लेकिन यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट आ रहा है, रेजोनेंस हो रही है ना, तो प्लस आर इफेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पर प्लस आर की वजह से ये डिक्रीज तो करेगा, लेकिन इसका डिक्रीज या मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का, सॉरी नॉट हियर, मैंने कुछ इधर पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा और ये भी नेगेटिव आएगा। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जो एसिड्स का नेगेटिव है, मतलब जो नेगेटिव क्यों लिख रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेस, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिक्रीज कर रहा है इसमें, और पॉजिटिव चार्ज जो डिक्रीज कर रहा है वो रेजोनेंस की वजह से डिक्रीज कर रहा है, इस वजह से यहाँ का जो डिक्रीमेंट है वो यहाँ के डिक्रीमेंट से कम है। क्लियर होगी बात? ठीक है जी। सेम वे अगर मैं बात करता हूँ ओ आर की, तो ओ आर में भी एग्जैक्टली ऐसा ही होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आर वी क्लियर? ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, सी एच थ्री, यहाँ पे अगर तुम देखो तो ये सी एच थ्री हो गया सी प्लस ओ माइनस। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन ने ये भी डोनेट कर देगा, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ की बजाय खिसक के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो तुम देख रहे हो पॉजिटिव चार्ज इसमें भी कम हो रहा है। तो इन तीनों की जो रिएक्टिविटी होगी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वो इन दोनों से भी कम होगी। ठीक है, और अगर मैं इनके रिलेटिव उसकी बात करूँ रिएक्टिविटी की, तो इन जनरल ये भाई साहब होते हैं फिफ्थ नंबर पे, ये होते हैं सिक्स्थ नंबर पे और ये सेवन्थ नंबर पे। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो रिएक्टिविटी की अगर मैं लिखना चाहूँ सीरीज, तो आई कैन राइट इट एज एल्डिहाइड्स एल्डिहाइड्स क्यों लिख रहा हूँ, शुरुआत एसिड क्लोराइड्स ग्रेटर देन एसिड एनहाइड्राइड एंड हाइड्राइड्स फिर एल्डिहाइड्स फिर कीटोन्स फिर एसिड्स और फिर एस्टर्स एंड देन अमाइड्स। ये याद रखने वाली चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्लियर होगी बात? बाकी मैं मिटा रहा हूँ अभी। आर वी क्लियर? कितना टाइम हो गया? का तो हलो 38-40 मिनट्स हो गए। ये बेसिक चीज़ें सब जाने में काफ़ी समय जा रहा भाई। ठीक है जी, ये क्लियर हुआ? समझ में आया ना कि ऐसा क्यों हो रहा है ना? तो जो भी फैक्टर पॉजिटिव चार्ज को रिड्यूस करेगा, सॉरी इंक्रीज करेगा, तो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और जो भी फैक्टर उस पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करेगा वो उतना ही कम रिएक्टिव होगा, और जो जितना जितना ज़्यादा डिक्रीज करेगा उसको, है ना, जितना ज़्यादा रिड्यूस करेगा उसको वो उतना ही कम रिएक्टिव होता चला जाएगा, और जो जितना ज़्यादा बढ़ाएगा वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, चलो। तो रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर हो गया एल्डिहाइड्स, व्हाई इज वीकर इन डेंसिटी द मोर द कार्बन। ठीक है, इसका देखने का एक दूसरा तरीका है। अगर तुम बात करो इन भाई साहब की, अगर तुम बात करो इन भाई साहब की, जो इन भाई साहब की, अगर तुम बात करो इन भाई साहब की, इन भाई साहब की और इन भाई साहब की, ठीक है, तो इनकी बेसिसिटी का अगर मैं वो लगाऊं,
तो यार मैं ना यहाँ पे मिटा देता हूँ इसको, ठीक है। अगर मैं बेसिसिटी की बात करूँ, है ना, तो लीस्ट बेसिक कौन है, x माइनस सबसे ज़्यादा सबसे कम बेसिक है, फिर ये ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, देन ओ एच माइनस, देन ओ आर माइनस, और सबसे ज़्यादा जो बेसिक होता है वो ये होता है। तो तुम्हें दो चीज़ें हैं इसमें ध्यान देने वाली, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं ना भाई, इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, ये जो भी ग्रुप है इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन देना होता है ये किसका काम होता है, बेस का काम होता है ना, जो इलेक्ट्रॉन दे पाए वो बेस है, जो आसानी से दे पाएगा वो उतना ही अच्छा बेस हो जाएगा, हाँ है ना, जो आसानी से दे पाए वही तो अच्छा बेस होगा, और जो आसानी से ना दे पाए वो अच्छा बेस नहीं होगा। तो तुम अगर ध्यान से देखो, जो सबसे वीक बेस है उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए नहीं, इनफैक्ट उसने तो इलेक्ट्रॉन खींच लिए, इसने भी इलेक्ट्रॉन खींच लिए, ये जो तीनों है ये अच्छे बेसिस हैं, तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन दिए इंस्टेड ऑफ खींचने के, ठीक है। तो लिखो इसमें, another way of looking at it is that from the point of view of the basicity of the group attached to carbonyl carbon, on the basis of the basicity of the group attached to the carbonyl carbon, ठीक है, the better the base the easier for it to donate its electrons, donate its electrons and decrease the positive charge on carbonyl carbon, decrease the positive charge on carbonyl carbon. तो जितना अच्छा बेस होगा उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, उतना ही ज़्यादा ये पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज कर देगा, और जितना पुअर बेस होगा उतना ही ये रेजोनेंस नहीं होगी और उतना ही उसका माइनस आई इफेक्ट होगा, तो ठीक है। और लिखो, एंड वीकर द बेस more will be the minus I effect, hence higher will be the positive charge on the carbonyl carbon, ठीक है ना, got it। अगर तुम पूछो कि सर इन दोनों के बारे में, तो इन दोनों पे ये जो दोनों ग्रुप लगे होते हैं एच और एल्काइल ग्रुप, ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक होते हैं, हालांकि इनका जो इफेक्ट होता है सिर्फ प्लस आई वाला होता है, इन तीनों का इफेक्ट क्योंकि इनके पास लोन पेयर है तो इनका जो प्लस आई इफेक्ट है सॉरी प्लस आर इफेक्ट है वो भी काम आ रहा है, इस वजह से ये ज़्यादा ये जो पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ पे है उसको डिक्रीज कर पा रहे हैं, दीज आर एबल टू डिक्रीज द पॉजिटिव चार्ज ओवर हेयर बिकॉज ऑफ देयर रेजोनेंस इफेक्ट, हालांकि ये दोनों के दोनों जो होते हैं इनसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, ठीक है। लिखो, इवन दो एच एन एल्काइल ग्रुप, जैसे हाइड्राइड है एच माइनस, ठीक है, इसको यूं समझो ऐसा होता है, ये होता है बेसिसिटी का जो ऑर्डर है वो ये है, तो इसमें लिखो, even though aldehydes and ketones contain stronger bases but the bases in acids, esters and amides, reduce the positive charge more due to resonance, क्लियर होगी बात, ठीक है। तो
अब यहाँ पर एक चीज़ और कंसिडर करने वाली है, वो ये है कि ये जो है, ये मैंने यहाँ जो लिखे हैं ना, ये भाई साहब पाँचवें छठे सातवें नंबर पे जो हैं, ये और ये जो पांच हैं, ये एडिशन रिएक्शन ही नहीं देते, दे ऑल्सो गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, दे ऑल्सो गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है जी, कैसे देखो, वैसे ये वाला पार्ट जो है वो तुम्हारे अगले चैप्टर में आएगा, बट क्योंकि यहाँ पे रेलेवेंट है इसलिए अभी बता रहा हूँ. इसमें इस तरीके से लिखो, द कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ एसिड एनहाइड्राइड्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स एस्टर्स एंड अमाइड्स contains a leaving group which can be substituted by an incoming nucleophile. ठीक है, got it. इसमें लिखो, the weaker the base is, the better the living group it is. ठीक है, the weaker the base is, the better the living group it is. And easier will be to replace it. ठीक है, but अब ये तो इसमें तो possible है भाई, ये तो weaker bases है ना compared to these two, तो फिर भी ये replaceable हैं. लेकिन इनके जो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स है, इनके इस ग्रुप को रिप्लेस कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं. ठीक है, ये बात मैंने एल्काइल हैलाइड्स में भी बताई थी, द वीकर द बेस द बेटर द लिविंग ग्रुप इट इज. तो यहाँ पे वीकर बेसिस है एज कम्पेयर टू दीज टू, तो ये रिप्लेसेबल हैं, लेकिन ये इन दोनों को रिप्लेस नहीं कर सकते. ठीक है, अच्छा इसमें एक और बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है, ये इससे अच्छा बेस है ना, तो ये इसको रिप्लेस कर सकता है. इट कैन रिप्लेस दिस, दिस कैन रिप्लेस दिस, दिस कैन रिप्लेस दिस एंड दिस कैन रिप्लेस दिस. तो मतलब हम इससे इसे बना सकते हैं, इससे इसे बना सकते हैं, इससे इसे बना सकते हैं, और इससे इसे आसानी से बना सकते हैं. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जो अच्छा बेस होगा वो वीकर बेस को, या गुड बेस से या स्ट्रॉन्गर बेस कैन रिप्लेस अ वीकर बेस ईजिली. दैट्स व्हाट यू नीड टू रिमेंबर. ठीक है, Got it? Okay. लिख लिया ये सब. इधर बाई साल वेंट और ठीक है जी. तो सब्सटीट्यूशन क्यों देगा वो भी बताते हैं. इसको मिटा देता हूँ यार, बहुत देर हो गया इसमें ना, मेरे को लिखने का मौका ही नहीं मिल रहा है. ठीक है, ये तुमने अपने शब्दों में लिख लिया होगा, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट. नहीं लिखा होगा तो बेटा अपने शब्दों में लिखो, हिंदी में ही बोला है मैंने, है ना, हिंदी में तो हम आराम से बात कर ही सकते हैं. या मे बी आप बिल्कुल अंग्रेज हो गए हो तो अलग बात है, है ना, हो सकता है कि नहीं, तो इसको लिख लेना भाई तुम लोग. ठीक है, अब ये क्यों रिप्लेसमेंट या सब्सटीट्यूशन हो पाएगा और क्यों वो हो पाएगा वो देखो. देखो भाई, जैसे यहाँ पर ये R है, ये R डैश है, ये डबल बॉन्ड है. मान लो कि कोई HNU ऐसे करके एक कोई रिएजेंट हमारे पास है, तो सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा. न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो क्या आएगा, C
nu o माइनस, फिर यहाँ पे जो h प्लस होगा वो इस पे आ जाएगा, हमें क्या मिलेगा r c o h n u r डैश। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा कीटोन या एल्डिहाइड की मैं बात कर रहा था। अगर मान लो कोई ग्रुप इस तरीके से हो जाए कि ये z है, z मतलब वो जो चार पांच मैंने लिखवाए थे है ना, उनमें से कोई एक है, तो क्या होता है यहाँ पर ये चीज़ भी हो जाती है। अच्छा अब देखो, H प्लस का अटैक होने से पहले क्या हो जाता है, कभी कभी इफ़ दिस इज़ अ लीविंग ग्रुप तो ये भाई साहब बाहर निकल जाते हैं और हमें ये मिल जाता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो हमें देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ही तो हुआ ये, तो ये इस ग्रुप के निकलने पे निर्भर करता है। अगर ये ग्रुप आसानी से निकल गया तो ये रिप्लेसमेंट दे देगा, और मैंने अभी बताया जितने भी पांच मैंने लिखवाए थे दे आर बेटर लिविंग, दे आर वीकर बेसिस दैन सम न्यूक्लियोफाइल्स है ना, और अगर वो वीकर बेसिस होंगे तो दे विल बी गुड लिविंग ग्रुप्स, तो अपने आप ये निकल जाएंगे इससे। आर वी क्लियर अबाउट दिस? ठीक है, एक सेकेंड, ठीक, क्लियर होगी बात। तो दिस इज द रीज़न, वो जो पांच थे वो सब्स्टिट्यूशन भी दे देते हैं लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन सब्स्टिट्यूशन नहीं देते हैं। तो एक कैटेगरिकली लिख लेना, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स डू नॉट गिव, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स डू नॉट गिव सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, वाइल द अदर फाइव कंपाउंड्स कंटेनिंग द कार्बोनाइल ग्रुप गिव NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। गॉट इट? एक लास्ट चीज और है बिफोर वी एक्चुअली मूव ऑन टू द रिएक्शंस। लास्ट चीज क्या है, जैसे देखो अगर इसमें, चलो why should I not इसी में करा देते हैं। अगर देखो न्यूक्लियोफाइल अगर स्ट्रांग हुआ तो पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाता है और ये स्लो स्टेप रहता है। अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग, ऐसे लिखते हैं, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल का केस करा रहा हूँ तुमको, अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग हुआ तो ये इस पर अटैक कर जाएगा, ये स्लो स्टेप होगा यहाँ पर, फिर जाके ये H प्लस का अटैक होगा। H प्लस क्या होता है, H प्लस या तो तुम्हारा सॉल्वेंट से मिल जाता है या फिर तुम्हारा कोई एसिड तुमने डाला होता उससे मिल जाता है। गॉट दिस? ठीक है तो एक तो इसकी रिएक्टिविटी होती है, लेकिन एक इसकी रिएक्टिविटी भी तो है, ये तो रिएक्टिव है मान लो, ये रिएक्टिव नहीं है उतना, तो क्या होगा, रिएक्शन थोड़ी स्लो होगी क्योंकि इसका अटैक उतना ही स्लो होगा। क्लियर होगी बात? अच्छा अगर मान लो ये जो न्यूक्लियोफाइल है वीक है, वीक न्यूक्लियोफाइल है ना, तो इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले H प्लस का अटैक होता है, इस पे अटैक होता है किसका, O का हो जाएगा, तो तब क्या आएगा यहाँ पर OH, इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल भाई साहब आके अपना जलवा दिखा देते हैं, सीधे आके इस पे कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, देखो दोनों में वही प्रोडक्ट आ रहा है कि नहीं यार, ध्यान से देखो। तुम बोलोगे सर तो फिर फर्क क्या है, वही मैं कह रहा हूँ, अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग हुआ तो हमें एसिड एज अ कैटलिस्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर न्यूक्लियोफाइल वीक हुआ तो हमें एसिड एज अ कैटलिस्ट यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी टू कैरी आउट दिस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आर वी क्लियर? ठीक है, पुअर न्यूक्लियोफाइल, ऐसे लिखो, पुअर न्यूक्लियोफाइल एड एसिड देन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नो नीड ऑफ एसिड मैक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इस तरीके से लिख लेना, याद रहे ये बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। गॉट इट? ठीक है, और अगर
ऐसे लिखो एक और चीज़, लिखो इफ अटैकिंग एटम ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, जैसे ये थर्ड पॉइंटर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इससे एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस की बात होगी. जैसे देखो आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, मान लो जो ये न्यूक्लियोफाइल है या यूँ समझो ऐसा कोई न्यूक्लियोफाइल है यूँ, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, पहले तो इस पर अटैक कर देगा. मान लो ये आ गया ऐसे, मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ, पहले फर्स्ट स्टेप में ये अटैक करेगा, सेकंड स्टेप में H प्लस अटैक करेगा, मान लो ऐसा है. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, सी जेड ओ एच आर डैश. मान लो कि ये अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना, या फिर इसके पास कोई H एटम है, तो व्हाट इट डज इज बेसिकली यहाँ से ये कुछ H2O का मॉलिक्यूल निकाल देता है, ठीक है, H2O का मॉलिक्यूल निकाल देता है. तो तुमने देखा कि एडिशन तो हो गया यहाँ तक, लेकिन उसके बाद H2O भी निकल रहा है और कुछ R C डबल बॉन्ड लेट से Z डैश, क्योंकि H और था ना इसमें, यही समझो ऐसे था ये कुछ, H2O निकल गया तो यहाँ पे R डैश बन गया, है ना. तो क्या हुआ, एक H जो कि न्यूक्लियोफाइल में था और जो OH तुम्हारा कार्बोनाइल वाला OH था वो निकल जाता है एज वाटर, तो एडिशन तो हुआ साथ में एलिमिनेशन भी हो गया. तो इस रिएक्शन को हम एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं. और कौन से वाले देंगे उसमें लिखो, इफ द अटैकिंग एटम ऑफ द न्यूक्लियोफाइल हैज a pair of non-bonding electron, has a pair of non-bonding electrons in the addition product. इसके पास non-bonding electrons होने चाहिए हैं. यहाँ पे तो माइनस चार्ज था ना ये, तो माइनस चार्ज आएगा यहाँ पे non-bonding, ठीक है. Water will be eliminated from the addition product. Such reactions are called addition elimination न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस. सच रिएक्शंस आर कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस. ठीक है जी, क्लियर इनफ, कूल. तो आज कितना टाइम हो गया भाई, ठीक है, 5-1 मिनट और लेते हैं, थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस कर ले, कार्बन के जो एडिशन कंपाउंड्स है वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है. ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही समझाने में काफ़ी समय चला गया जी हाँ आज का. तो एक्सक्यूज मी, अगर तुम देखोगे कार्बोनाइल ग्रुप पे तुम्हारा एक ऐसी क्या बोलते हैं इसको न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, इसका इस पर अटैक होगा और ऐसा कुछ आ जाएगा हमारे पास, ठीक है. और फिर इस पर ये स्लो स्टेप होता है और फिर फास्ट स्टेप होगा. मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि अब क्या होगा, जितने भी जो क्योंकि कार्बन के तीन होते हैं वो तीनों के तीनों जो मैं लिखवाऊंगा उसमें हमें सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि न्यूक्लियोफाइल क्या है एंड इलेक्ट्रोफाइल क्या है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल क्या है और इलेक्ट्रोफाइल क्या है. जैसे हम ये आइडेंटिफाई कर लें, इनफैक्ट कार्बन क्या, कार्बन के बाद ऑक्सीजन आएगा, सल्फर आएगा, नाइट्रोजन आएगा, इन सब में हमें सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है इस पूरे के पूरे प्रकरण में कि इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है और इलेक्ट्रोफाइल कौन है. बाकी जैसे मैंने यहाँ पे किया वैसे ही उसमें भी होगा, ठीक है. तो लिखो एडिशन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट फर्स्ट इज, ठीक है, फर्स्ट इज एडिशन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट. अगर नहीं पता तो मैं दोबारा बता देता हूं भाई. देखो ग्रिगनार्ड रिएजेंट जो है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट में अगर मैं देखूं ऐसा कुछ होता है,
तो ये जो होता है तुम्हारा न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होता है और ये जो होता है तुम्हारा वो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होता है। तो अगर मान लो मैं बात करता हूँ इसकी, ठीक है, और मैं एक ही ले रहा हूँ, या इनफैक्ट ऐसा करते हैं ना, इसको थोड़ा शॉर्टकट करते हैं, लेट्स डू दिस। मान लो ऐसा कुछ है, ठीक है, अगर मैं इसे HCHO, देखो भाई ये ध्यान रखना, जब भी इसके साथ कराओगे तो इसका हाइड्रोलिसिस ज़रूर कराना होता है, बिना उसके काम नहीं होता। या फिर ऐसा करता हूँ मैं इसको ना दो स्टेप में लिख देता हूँ, A आएगा तो इसमें क्या आएगा भाई, न्यूक्लियोफाइल क्या है, CH3 पहले जुड़ जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा HCH, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या जुड़ा, CH3। MGBR क्या है, न्यू इलेक्ट्रोफाइल, तो क्या आएगा OMGBR। अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करा दूं तो यहाँ पे आएगा HOH। तो तुम देख रहे हो 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है, ये ध्यान रखना। सेम वे अगर मैं बात करता हूँ CH3CHO, ठीक है, तो मतलब मैं थोड़ा शॉर्ट में आ जाता हूँ लेट से, तो CH3 इधर आ जाएगा, C और H ये तो आ गया। अब इसमें क्या जुड़ने वाला है, न्यूक्लियोफाइल पहले ऊपर जुड़ जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल क्या है यहाँ पे CH3, और यहाँ पे OMGBR की जगह मैंने सीधे हाइड्रोलिसिस कराया ना यहाँ पे इधर, तो सीधे OH कर दिया मैंने, ठीक है। सेम वे थर्ड वाला, अगर मान लो मैं एसीटोन लेता हूँ इंस्टेड ऑफ 2 aldehyde, नाउ आई एम टेकिंग अ कीटोन, ठीक है, कितना रिएक्टिव होगा कितना नहीं होगा मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, बट प्रोडक्ट क्या बनेगा वो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। CH3 तो आ गए पहले ही भाई, देखो इसके जो दो हैं 1 2, ये तो 1 2 यहाँ आ ही रहे ना, इनका तो कुछ नहीं है, यहाँ पर 1 2 आ रहे हैं, तो देखो 1 और 2 1 2, तो मैंने यहाँ पर सब कुछ लिख ही लिया है, ठीक है। अब बचा न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल इसमें क्या है, अगेन CH3 है और O के साथ H आ जाएगा, ये क्या है, ये 2 डिग्री अल्कोहल था, ये 3 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। तो अगर मान लो चलो वो वाला मैं अभी कराता हूँ, सेकेंड H2O, तो तुम देख रहे हो कि एल्डिहाइड्स गिव 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल्स, कीटोन्स गिव 3 डिग्री अल्कोहल्स। एक आधा एग्जाम्पल कराऊंगा पहले इसका, इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में आ गई ना, पहले ऐसा ही है एग्जैक्टली, न्यूक्लियोफाइल की जगह CH3 रख दो और जो इलेक्ट्रोफाइल है उसकी जगह MgBr+ रख देना, ठीक है, अगर तुमको अभी भी डाउट हो तो। वैसे मैं एक आधा क्वेश्चन अभी कराता हूँ, लेकिन इससे पहले एक चीज़ और करवा देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेक्स्ट चैप्टर में वैसे आएगी, ये नेक्स्ट चैप्टर का प्रिपरेशन भी है। अगर मैं ये रिएक्शन CO2 के साथ कराऊँ इंस्टेड ऑफ दिस, तो CO2 में क्या होगा, इसको कराते हैं, देखो ऐसा करते हैं इसको, CO2 के साथ कराऊंगा तो क्या होगा, O(C)O, तो ये इधर आएगा, सॉरी ये नहीं, इधर नहीं आएगा, ये इधर जाएगा, ये क्या बना देगा, O(C)O-। अब इस पर क्या है, न्यूक्लियोफाइल CH3 है, तो CH3 का अटैक होगा इस पर, CH3 माइनस का अटैक इस पर होगा, तो क्या आएगा यहाँ पर, O(C)CH3O-, ठीक है। और अगेन इस पर किसका अटैक हो जाएगा, अब Mg+Br का अटैक अगर इस पर हो जाता है तो हमें क्या मिलेगा, और साथ में मैं हाइड्रोलिसिस भी करा रहा हूँ साथ साथ, तो सीधे सीधे तुम देख सकते हो CH3OH। तो यहाँ पे तुम्हें अल्कोहल नहीं मिला, यहाँ पे तुम्हें एसिड मिला है। तो एसिड को बनाने का तरीका क्या है कि फर्स्ट CO2 एंड सेकंड हाइड्रोलिसिस। तो अगर मैं कभी भी किसी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन CO2 के साथ में कराऊंगा तो उसके करस्पॉन्डिंग एक एसिड मुझे मिल जाएगा। अब ऐसा करता हूँ, एक आधी एग्जाम्पल का तुम्हें वो करा देता हूँ, मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म लिखो, इम्पॉर्टेंट वो है ना। जैसे मान लो CH3 MgBr जो है
ठीक है, वो किस पे करा रहे हो? लेट्स से तुम CH3 CH2 सी डबल बॉन्ड हो, CH3 पे करा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका अटैक होगा इस पे, ठीक। तो सबसे पहले क्या आएगा, CH3 CH2 सी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये अटैक इस पे होगा। यहाँ पे क्या आएगा, CH3 O माइनस CH3, और अब जो है MgBr, ये इसका अटैक इस पे आएगा, ठीक है। क्या आएगा, CH3 CH2 COMgBr CH3 CH3, और फिर अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करा दूं तो क्या आएगा, CH3 CH2 COH CH3 CH3। आर वी क्लियर अबाउट दिस? ठीक है जी। तो ये तुम्हारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में एडिशन आ गया जी, ठीक है। तो एनी डाउट? ठीक है, चलो आज ऐसा करता हूँ, सिर्फ इसी का कराता हूँ, एक एग्जांपल और कराते हैं तुमको, देन वी कैन क्लोज इट ऑफ फॉर द डे। ये एग्जांपल काफ़ी अच्छा है, इसको देखो, ठीक है। यहाँ देखते हैं इसको, देखो भाई ये एग्जांपल क्या है, कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ये क्या किया हमने, CH3 MgBr के साथ रिएक्ट करा दिया, ठीक है। सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे ये कार्बोनल ग्रुप दिख रहा है और ये दोनों के दोनों अल्काइल ग्रुप्स हैं, मतलब ये कीटोन है, कीटोन पे सीधे सीधे एडिशन कराओ। मैं सीधे सीधे एडिशन प्रोडक्ट लिख दूँ अभी भाई, जो CH3 है ये वाला पार्ट, ये आ जाएगा कार्बन पे, और जो ओ जो MgBr है इस ओ पे एच लग जाएगा, है ना। तो H2O तो सीधे सीधे क्या प्रोडक्ट आएगा, C6H5 COH CH3 CH2 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 NBr, ठीक है। तो अब ये ध्यान देना, जब कभी भी ऐसा हो कि यहाँ पे OH है और यहाँ पे Br है ना, यहाँ पर ये दोनों के दोनों रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये OH जो है इसके, दिस इज़ अ गुड न्यूक्लियोफाइल, तो दिस कैन अटैक ऑन दिस कार्बन फ्रॉम द बिहाइंड एंड Br कैन गो आउट। ये तुम्हारी अब जो रिएक्शन है, दिस इज़ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये अल्कोहल है और ये क्या है तुम्हारा, एल्काइललाइड, और अल्कोहल्स एल्काइललाइड को रिप्लेस कर सकते हैं। तो तुम देखोगे कि यहाँ पर C6H5 और CH3 है ना, ये आएगा, O का अटैक इससे होगा और Br निकलेगा, साथ में H+ भी निकल जाएगा, या फिर ऐसे समझो इसको, एक C, दूसरा C, तीसरा C, चौथा C, और यहाँ पर क्या होगा, O का अटैक इस पे और साथ में यहाँ पर H होगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। और जैसे, क्योंकि देखो ना, इस कार्बन के बाद कितने हैं, 1 2 3 4, इस कार्बन के बाद 1 2 3 4 आ गए, और साथ में जो O का अटैक था उस कार्बन पे, यहाँ से Br निकल चुका है, Br निकल चुका, तो ये O के साथ H आएगा, और ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, C6H5 CCH3, यहाँ पे O आएगा, यहाँ C आएगा, सॉरी O सी 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 सी, ये तो यहाँ से क्या करेंगे तुम माइनस H+ कर देना है बस, ये H+ जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन दे के निकल जाएगा, तो ये तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट आया, ठीक है। चलो तो आज यहीं पे कंप्लीट करते हैं, कल अपने को ज़्यादा नहीं है काम, हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन और जो एडिशन एलिमिनेशन है वो भी हम कल कंप्लीट करेंगे। चलो भाई, बाय बाय, टेक केयर।